अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। अभी मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूं। तो अभी हम देखते हैं कि मैं किस तरह कपड़े धो रही हूं, और आप देखेंगे इतने सारे कपड़े हैं और वो आधे घंटे में धुल जाते हैं क्योंकि मेरे पास मशीन है। तो फिर देखते हैं। हाँ, ये देखें आप लोग ज़रा कितनी तेज़ हवा चल रही है और कपड़े नीचे गिर रहे हैं। खैर, अभी ये तो होना ही है क्योंकि ये कपड़े जो हैं स्पिन हुए हैं, इनको सिर्फ मैं हवा लगवा रही हूँ ताकि मैं इनको अलमारी में रखने से पहले ज़रा ये सही से रखे जा सके। हाँ जी, अब इसका जो है ये तरीक़ेकार है, इसके ऊपर देखिए मेंशन है कि स्टार्ट है, पॉज है, वाटर लेवल है, वॉश टाइम है, स्पिन टाइम है, फिर डीप क्लीन है। इसके आगे देखें तो वूल है, हैवी है, डेलिकेट स्पिन और क्विक है। ये सारे बटन्स हैं और ये इतना आसान तरीका है। अभी आप लोग इसको देखें तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। अच्छा जी, मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि वॉशिंग मशीन की सेटिंग किस तरह है और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को मैं बताऊं कि इसकी फ़िटिंग है, ये पानी का इधर नलका है और इसकी फ़िटिंग के साथ ये जो स्विच है ये बहुत ही आसान है, और वहाँ से पानी खोलना होता है और यहाँ से स्विच ऑन करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने स्विच ऑन करना है और मशीन ऑन है। सबसे पहले हमने पावर बटन को ऑन करना है, मशीन ऑन हो जाती है और ये सामने आपकी जो है ये सारी सेटिंग हुई हुई है। यहाँ से हम डिफरेंट प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। इसका नॉर्मल एरियल साइकिल है, इस पर ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके बाद प्रोग्राम, अब आप डिपेंड करता है कि आपने हैवी कपड़े धोने हैं या लाइट कपड़े धोने हैं, स्पिन करना है और इसकी प्री सेटिंग भी हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग ये देखें और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, अब जनाब इसमें हमने कपड़े डालने हैं। ठीक है, और ये मशीन जो है एरियल या सर्फ एक्सेल को रिकमेंड करती है। आप इसमें सर्फ डालें और पानी जो है उस कपड़ों के हिसाब से हमें डालना होता है। ठीक है, और मैं इसको क्विक पर सेट कर रही हूँ और अभी देखें यहाँ पे हमने कपड़े डाल दिए हैं और मैं ये सर्फ डाल रही हूँ। इसके साथ आपको मैं एक और बात बताती हूँ। वैसे तो आपके सामने यहाँ पे सामने जो है एक बॉक्स सा बना हुआ है, उसमें हम लिक्विड सर्फ भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैंने इसके अंदर ही ये सर्फ डाल दिया है। अच्छा जी, मैं इसको क्विक पर सेट कर रही हूँ, क्विक फंक्शन पर सेट कर रही हूँ और वाटर लेवल जो है वो 3 है। चूँकि मेरे कपड़े ज़्यादा हैं तो मैं इसको 6 पर सेट कर रही हूँ। ठीक है, और टाइम वॉश इसका 6 मिनट्स है। इसके अलावा ड्रेन का जो है, हम 2 दफ़ा ये मशीन पानी लेगी और 2 दफ़ा पानी निकालेगी। अच्छा जी, अब हम लोग मशीन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका ये सारा जो है ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सर्फ डालने के लिए एक चीज़ बनी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने वैसे ही सर्फ डाल दिया था, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं एक मिनट इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये है। इसमें क्या होता है, वैसे तो लिक्विड सर्फ आप डालें ना तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास लिक्विड सर्फ है नहीं इस वक्त। तो फिर अगर देखें, क्योंकि ये वाला सर्फ डालेंगे ना तो इसके साथ वो इन बॉक्स में ना बिल्कुल वो जम जाता है। तो फिर इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा कोशिश करें कि आप लिक्विड वाला ही डालें।
लेकिन अभी खैर हमारा काम चल रहा है। तो जी कपड़े तो मैंने अब डाल दिए हैं, अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने घर का काम ऊपर जाके करती हूँ और फिर आके कपड़े बाहर डालती हूँ। अच्छा जी, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।